सर पहले तो एक बात ये बताओ कि मैं डोमिनार 400 क्यों लूं, क्यों सोचूं इस बाइक के बारे में? देखो भाई, अगर आपको ट्रायम्फ 400 लेनी होती या फिर आपको एक्सपोर 40 लेनी होती और डोमिनार नहीं लेनी होती तो आप यहाँ तक इस वीडियो में आए नहीं होते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कीड़ा तो है। चलो देखते हैं इस बाइक के बारे में क्या क्या है। भाई देखो, बाइक तो है पुरानी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अभी रिसेंटली मैंने देखा कि जो नई डोमिनार 400 आई है उसमें काफ़ी टूरिंग की एसेसरीज कंपनी लगा के दे रही है, मतलब कंपनी फिटेड। तो मेरा एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं पहुंच गया शोरूम इस बाइक को देखने और टेस्ट राइड लेने। बाकी दोस्तों, ये वही बाइक है जिसने, याद है, एक कांड किया था आरी के, जब टाइम पे एक एड निकाला था हाथी मत पालो, काफ़ी पब्लिक हंसी थी, काफ़ी लोग गुस्सा हुए थे। हाथी मत पालो, हाथी मत पालो, हाथी मत पालो, हाथी मत पालो। पर मजा आता था जब कंपनी दूसरे के एड जैसे निकालते, एक दूसरे की लेते थे, तो मजा आता था। और ये वही बाइक है दोस्तों, जब याद है पल्सर 180 जब पहली बार आई थी तो काफी हंगामा हुआ था कि यार क्या बाइक आई है, पहली इंडियन बाइक, 180 cc, क्या पावर है। मुझे याद है गोल हेडलाइट होती थी पल्सर 180 की, मेरी एक फ्रेंड के पास थी उस टाइम पे। एंड उसके बाद एक और चीज़, ये उसी ब्रीड की है, याद है P220 द फास्टेस्ट इंडियन का टैग आया था जब पल्सर 220 निकाली थी, तो बजाज ने काफ़ी ट्रेंड करे थे स्टार्ट। और एक और बाइक थी बजाज की एवेंजर, जो मेरे पास भी थी, एवेंजर 180। उससे मैंने पहली बार लद्दाख किया था 2009 में। उस टाइम पे कोई यूट्यूब चैनल तो था नहीं, वीडियोज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर हाँ 2009 में मैंने की थी एवेंजर पे लद्दाख का ट्रिप। और काफी बढ़िया गया था। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बजाज के अराउंड एक, मतलब मैंने क्या है कि डोमिनार 400 बड़ी क्लोजली देखी है, मेरे दोस्त के पास है जिसके बारे में आगे बात करूंगा, पल्सर 220 भी मैंने बड़ी क्लोजली देखी है, और ख़ुद मैंने एवेंजर काफ़ी टाइम रखी, उससे लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो थोड़ा बहुत मेरे को बजाज के बारे में आइडिया है बाइक्स के बारे में। और फिर आती है हमारी डोमिनार 400। जब डोमिनार 400 आई थी तब भी काफ़ी हंगामा हुआ था कि भाई इंडियन बाइक, पहली 400 cc, यू नो 150 प्लस भागती है, देखने में बल्कि, मतलब एक महंगी वाली बाइक की ना फीलिंग आई थी 400 cc सेगमेंट में जो बजाज लेकर आया था। तो वहाँ भी एक कहीं ना कहीं बजाज ने एक ट्रेंड सा स्टार्ट किया था 400 cc में भी, मैं कह सकता हूँ। पर जैसे ही हम हाई cc बाइक्स में जाते हैं इंडिया में, जैसे 300, 250, 400 cc मेजरली या उसके ऊपर, तो इंटरनेशनल ब्रांड से कंपेयर होने लगता है। और हो क्यों ना हो, मतलब अगर इंसान कोई पैसा खर्च कर रहा है तो ही वॉन्ट्स टू बाई द बेस्ट। पर अगर मैं डोमिनार 400 की बात करूँ तो फिट एंड फिनिश एकदम बढ़िया है, मेरे को जो देख के लगा एकदम, मतलब बढ़िया है। जो आज की डेट में 400 cc इंटरनेशनल ब्रांड्स भी निकाल रहे हैं उसकी तुलना में एकदम बराबर ही है, टक्कर के हैं फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूं तो। तो नया वर्जन जो डोमिनार 400 का है उसमें काफ़ी कुछ कंपनी फिटेड आ रहा है, जैसे कि आपकी बैश प्लेट, आपका सैडल स्टे, आपका बैक स्टे भी आ रहा है, उसके बाद आपका मोबाइल का माउंट आ रहा है, आपकी जो विंडशील्ड है वो भी एक्सटेंडेड आ रही है, हैंडगार्ड आ रहे हैं और USB चार्जिंग पोर्ट आ रहा है, मतलब एकदम एडवेंचर रेडी, और वो भी कंपनी फिटेड। और मैंने डोमिनार 400 को जैसे पहले बताया बड़े क्लोजली देखा, मेरे दोस्त करण के पास ये है 400 और आपको पता ही होगा कि हमने कुछ क्रेजी ट्रिप्स करे हैं जहाँ पे वो अपनी 400 पे था और मैं अपने वर्सेस पे था। सो क्या क्या करा हमने डोमिनार, आप देख सकते हो इस वीडियो में। चल मैं जा, चल जा। उसको
मैंने भी चला के देखी है डोमिनार 400 अपने दोस्तों की और ठीक ठाक मैंने उसको चलाई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो थोड़ा हैवियर साइड तो है विद 193 kgs, इस 23 kgs मोर देन ट्रायम्फ 400 एंड ओनली 3 kg लेस देन X440 एंड इनफील्ड 350 इज जस्ट 2 kgs मोर देन डोमिनार 400. सो हैवियर साइड तो है, पर उस हैवी बाइक का होने का जो फायदा है कि जब आप हाईवेज पे चलते हो अच्छी स्पीड्स पे तो एकदम बढ़िया चलती है डोमिनार, चिपक के चलती है, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बाइक कहीं नहीं जाने वाली है, एकदम बढ़िया चलती रहेगी, टेंशन ही नहीं होगी आपको. पर वहीं पे जो लो स्पीड्स हैं, लो स्पीड्स मतलब आप ट्रैफिक पे चल रहे हो या बहुत बैड रोड्स पे चल रहे हो या आपको एकदम शार्प यू टर्न्स लेने हैं या कुछ लेने हैं, तो आपको थोड़ा सा इसका जो वेट है वो महसूस आप ज़रूर करोगे, आपको थोड़ी सी हैवी लगेगी और थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है. पर ये तभी हो सकता है जब आपने कोई और बाइक्स चलाई हैं तो इससे ज़्यादा स्मूथ हैं, वरना आपको यही बढ़िया लगेगी. यहीं पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैंने करिश्मा ZMR ली थी तब मैं और मतलब ऑलमोस्ट पल्सर 220 ले ली थी मैंने, निंजा ग्रीन वाला कलर आया था उस टाइम पे, वो या वाइट में मैं थोड़ा कन्फ्यूज था, पर मैंने ऑलमोस्ट ले ली थी कि मैं पल्सर 220 लेना. फिर मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, उससे मेरे को पता चला कि यार करिश्मा की भी आई हुई है ZMR, एक बार टेस्ट राइड लेके तो देखो, क्या पता वो तुम्हें समझ में आ जाए. मैंने कहा नहीं यार, अब पल्सर ले लिया, फाइनल हो गया है. मैंने कहा चल ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, नोएडा में ही उसका एक शोरूम था, तो हम वहाँ पे गए और मैंने उसकी टेस्ट राइड ली. और सही बताऊँ, जैसे ही मैंने टेस्ट राइड ली तो मेरे को एक्चुअली पता चला कि स्मूथ हैंडलिंग क्या होती है, स्ट्रेस फ्री हैंडलिंग क्या होती है. मतलब इतना अंतर था ना कि मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब उसी मोमेंट मेरे को लगा कि ZMR इज़ द बाइक. एंड आई स्टिल टेल यू कि मेरे को अभी भी ZMR के कभी कभी सपने आते हैं, इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बाइक जो मेरे पास अभी तक रही है. ओल्ड वाली, नई वाली ZMR नहीं, द ओरिजिनल ZMR जो आई थी. क्या मेमोरीज थी उस बाइक के साथ, थोड़ी बहुत फोटोज देख लो उस बाइक के साथ मेरी. ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की 157 mm है, जो सही बताऊँ बहुत बढ़िया नंबर्स नहीं है, पर ओनली अगर आप इसको ऑफ रोडिंग और बहुत ख़राब रास्तों पे लेके जाने वाले हो. पर सही बताऊँ, जैसे आप ऑलरेडी देख चुके हो कि डोमिनार 400 जो मैंने पहले शॉर्ट सिखाए कि हमने इसको कहाँ कहाँ लेके गए, तो अगर वो कर सकती है तो मेरे को लगता है कि बाकी सब भी कर ही सकती है. और एक और चीज़, इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का टैंक है, तो आप करीबन अगर, और ये 25 से करीब का एवरेज देगी आपको, थोड़ा ज़्यादा निकाल लोगे थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा राइडिंग स्टाइल को लेके चलते हैं, पर मैं 25 लेके चलता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं 325 किलोमीटर की रेंज आती है. पर आप पूरा 325 किलोमीटर चला के तो पेट्रोल डलवाओगे नहीं, तो करीबन 250 किलोमीटर के बाद आप डलवा लोगे, और बुरा वक्त में अगर कहीं फंस गए आप तो करीबन 300 किलोमीटर आप खींच लोगे इससे, और शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप स्पीड कंट्रोल कर लोगे आपने. पर मेरे को लगता है कि रेंज ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, इट्स गुड. उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस सेंटर, क्योंकि ये एक टॉपिक है, जब हम बजाज हीरो की बाइक्स की बात करते हैं तो सर्विस सेंटर अक्सर लोग बोलते हैं कि सर बहुत ही बेकार है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी हो रहा है, मतलब उस टाइप से. पर ये चीज़ मैंने भी फेस करी है, क्योंकि मेरे पास बजाज की भी बाइक रही काफ़ी टाइम और मेरे पास हीरो की बाइक भी रही काफ़ी टाइम. ये एकदम क्लैरिटी है, क्योंकि इंडिया में खास तौर से जब ब्रांड को एक बार ये लग जाता ना कि अब तो हम चलने लगे हैं, अब हमारी बाइक खड़े खड़े भी बिक जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको एटीट्यूड दिख जाता है. अब मैंने देखा है कि हीरो के शोरूम पे जाओ या बजाज के शोरूम पे जाओ तो आप वहाँ जाके खड़े हो जाओगे और कोई आपको पूछने वाला भी नहीं होगा, सब अपने काम में बिजी होंगे या इधर उधर देख रहे होंगे, आपको लगेगा कोई बताएगा भाई मेरे को ये बाइक चाहिए, फिर आप किसी को इशारा करोगे वो आएगा हाँ भाई साहब बताओ, फिर पूछोगे जो पूछोगे वो बता देगा, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको बाइक बेचना चाह रहा है, ऐसा लगेगा कि आप बाइक लेना चाह रहे हो, ले लो और जाओ टाइप, यू नो, तो ये एटीट्यूड आ जाता है. अब यहीं पे अगर आप नई उभरती हुई कोई ब्रांड आओ जो अभी अपना नाम बना रही है या नहीं है, वहाँ पे आप जाते ही आपको वेलकम करेंगे, पानी की बोतल भी दे देंगे, दे वांट कि वो बाइक को बेचें और आप खरीदो, वहाँ पे उल्टा हो जाता है और ये एटीट्यूड आ भी जाता है. मैंने भी बहुत फेस किया है, कभी कभी एक दो बार मैं हीरो पे भी गया और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ तो फिर मैंने थोड़ा हल्ला भी किया, मैंने कहा भाई नहीं बेचनी तो बता दो ना, कस्टमर आ रहे हैं फिर एकदम से नहीं नहीं नहीं, तो ये चीज़ मैंने फेस करी है. पर उस चीज़ को भूल जाओ, अपना प्रोडक्ट अच्छा है उठाओ. और सर्विस सेंटर का भी यही कहानी है दोस्तों, खूब बाइक्स खूब बिकती हैं इनके ब्रांड्स की, तो वहाँ पे लाइन लगी रहती है, उनको पता है कि लोग आएंगे जाएंगे आएंगे और कहाँ जाएंगे टाइप.
यू नो, तो इसमें एक बेस्ट है जो मैं करता था, मैंने अक्सर बजाज में करा, कि आप अपना कोई एक मैकेनिक, जब बार बार जाते हो कोई मैकेनिक देख लो जो आपकी सर्विस सही करती है, उससे बातचीत रखो, उसे कॉन्टैक्ट में रखो, कॉन्फिडेंस में रखो, कभी कभी कुछ अच्छा काम करे तो कुछ टिप दे दो, मतलब ये आपके ऊपर है, सो आप उसके साथ एक बॉन्ड बना लो, एंड दैट्स वे आई थिंक लॉट ऑफ पीपल इसी तरीके से हैंडल करते हैं, कि अपना कनेक्शन, पर्सनल टच बना लेते हैं मैकेनिक के साथ। पर इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी बाइक को समझना भी बहुत ज़रूरी है, बाइक के बारे में कुछ चीज़ें समझो, बाइक कैसे काम करती है, क्या दिक्कतें आती हैं उसको भी थोड़ा सा समझो, जिससे कि जब आप मैकेनिक के साथ ज़्यादा अच्छा डिस्कस कर सकते हो, प्रॉब्लम को समझ सकते हो और उसका सॉल्यूशन भी अच्छा हो सकता है। सो ये दिक्कतें हैं दोस्तों, इसको लेके टेंशन मत लो, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी तो आप हैंडल कर लोगे, मेरे को पता है, थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। डोमिनार में एक और चीज़ मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगती है, वो जब लॉन्च हुई थी उस टाइम से भी और अभी भी जब मैं देख कर आया, उसके जो जो टैंक है उसमें जो एक सेकेंडरी स्क्रीन है छोटी सी, जहाँ पे आपका ट्रिप मीटर आ जाता है, ओडोमीटर आ जाता है, वो जो छोटी स्क्रीन है वो मेरे को बड़ी कूल लगती है, वो मेरे को बड़ी इंटरनेशनल स्टाइलिंग लगती है और बहुत ही बढ़िया लगती है, मतलब जो छोटी सी स्क्रीन है। पर हाँ, ये कह सकते हो कि वो स्क्रीन काफ़ी नीचे है, तो आप चलाते हुए अगर वहाँ पे देखोगे तो आपकी नज़रें काफ़ी देर के लिए नीचे, मतलब रोड से हट सकती हैं, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एक होता है कि आप सीधे जा रहे हो स्पीडोमीटर के लिए, आपने हल्की सी नज़र झुकाई और ऊपर कर ली, देख लिया ऊपर कर ली, उसके लिए आपको थोड़ा और नीचे देखना पड़ेगा, तो आपका रोड से ज़्यादा देर तक कनेक्शन छूट सकता है अगर आप उसको देखोगे, और वो छोटा भी है तो उसमें देखने की कोशिश करोगे। तो यही कह सकता हूँ, कुछ चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दो, जब रुक जाए तब देखो, चलते हुए मत देखो, पर हाँ वो देखने में बड़ी कूल लगती है मेरे को, बट या देर इज़ अ स्लाइट प्रॉब्लम, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी बजाज में दोस्तों स्लिपर क्लच है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, उसका 40 BHP निकालता है इसका इंजन 8000 RPM पे, और 35 Nm टॉर्क आपका निकालता है ये 6500 RPM पे, विच इज़ वेरी गुड नंबर एंड एज क्लोज एज टू ट्राइम 400 जो शायद इसका बड़ा भाई है। अब बड़ा है छोटा मेरे को पता नहीं, पर हैं दोनों बजाज ही जो मेरे को लगता है, पर होता है ना, एक भाई विदेश घूम के आ गया तो थोड़ा चमक धमक आ जाती है, तो दैट इज़ द थिंग, बट इट्स गुड नंबर्स। सो दोस्तों, अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ या अपने थॉट्स की बात करूँ, फाइनल थॉट्स की, तो देखो बाइक तो बढ़िया है, देखने भी बढ़िया है, रेट भी बढ़िया है, फीचर्स भी बहुत हैं, और स्पीड भी काफ़ी है, मरने और मारने वाली टॉप स्पीड भी है। आई थिंक जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस बाइक को हो सकता है वो इसकी राइड को थोड़ी सी जो स्टिफनेस है स्लो स्पीड्स पे, जो इसकी हैंडलिंग है, जो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि हार्डर साइड है, आप ट्रैफिक में ज़्यादा होगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में होगा, पर आप जब नॉर्मल स्पीड्स पे आ जाओगे, हाई स्पीड्स पे आ जाओगे, तो इट्स लाइक अमेजिंग। बट इस चीज़ का सॉल्यूशन या इस चीज़ में कितना इशू है वो मैं ये बोलूँगा कि दोस्तों टेस्ट राइड करो, कंपनी का 2-4 लीटर पेट्रोल फूंक दो, अच्छे से टेस्ट राइड करो, पर इट्स वर्थ कि आप इसको टेस्ट राइड करके इस बाइक को समझने की कोशिश करो, बाकी इट्स अप टू यू दोस्तों। सो दोस्तों, ये मैंने अपने व्यूज़ आपसे शेयर कर दिए, अब आप अपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना दोस्तों। लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।